गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज आपको हम एकादशा पाठ पढ़ाएंगे और उसका अर्थ समझाएंगे। परोपकारा, इस पाठ में आदि की क्रिया का उल्लेख किया गया है। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। के लिए तथा को संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्त के ये चिन्ह है। परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति, परोपकाराय नद्यः बहन्ति। परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं और परोपकार के लिए नदी बहती है। धेनवः परोपकाराय दुहन्ति, परोपकाराय मेघ आकाशे आच्छादन्ते। ते जनेभ्यः जलम् यच्छन्ति, पशु पक्षिणां मेघाः वर्षन्ति। परोपकाराय इदं शरीरम् अस्ति। परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति, परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं और परोपकार के लिए नदी बहती है। धेनवः परोपकाराय दुहन्ति, धेनवः मीन्स गाय परोपकार के लिए दूध देती है। परोपकाराः मेघः आकाशे आच्छादयन्ति, में परोपकार के लिए मेघ यानी बादल आकाश में गिरते हैं। ते जनेभ्यः जलम यच्छति, ते जनेभ्यः जलम यच्छन्ति, वे लोगों को जल देते हैं। पशु पक्षिणाभ्याम मेघः वर्षन्ति, पशु पक्षिणाभ्याम मेघः वर्षन्ति, पशु पक्षियों के लिए मेघ बरसते हैं। अतः परोपकाराय इदं शरीरम अस्ति, अतः परोपकार के लिए यह शरीर है। परोपकार भावेनायो महर्षि दधीच देवहिताय सुयानि अस्थीनि ददौ, ये परोपकारेण भवन्ति, ते दिनेभ्यः दानं ददन्ति, ये निर्धनेभ्यः धनं, वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्रं, पिपासितेभ्यः जलं, यच्छन्ति ते श्रेष्ठा जनाः भवन्ति। परोपकार भावनेन, परोपकार की भावना से ही महर्षि दधीच ने देवों के हित के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी थीं। जो परोपकार होते हैं वे गरीबों को दान करते हैं। जो परोपकारी होते हैं वो गरीबों को दान देते हैं, जो निर्धन को धन और वस्त्रहीन को वस्त्र, प्यासे को जल देते हैं, वे श्रेष्ठ जन होते हैं। जो निर्धन को धन और वस्त्रहीन को वस्त्र और प्यासे को जल देते हैं, वे श्रेष्ठ जन होते हैं। महाराज महाराजः शिवः
शिवी है। परोपकार क्षणयाम स्वमासम सेनाम अदात, सेनाय अददात परोपकारिणे भुवोच्छितेभ्य अन्यम ददन्ति अशिक्षिताभ्याम स्त्री पुरुषाभ्याम शिक्षाम प्रयच्छन्ति। जनाः पठितुं गुरुणां समीपं गच्छन्ति, धनिका परोपकारस्तुं दानं ददन्ति। ते धर्म रक्षयतु रक्षयन्तु धनं प्रयच्छति। तो महाराज शिविर ने कबूतरों की रक्षा के लिए अपना मांस बाज को दे दिया। परोपकार भुभुक्षितेभ्य, परोपकारी भूखों को अन्न देते हैं। अशिक्षिताभ्यम स्त्री पुरुषाभ्यम, अशिक्षित स्त्री पुरुष को शिक्षा प्रदान करते हैं। अशिक्षित स्त्री पुरुष को शिक्षा प्रदान करते हैं। जना पठितुं गुरुणां समीपं गच्छन्ति, लोग गुरु के पास, लोग पढ़ने के लिए गुरु के पास जाते हैं। समीपम मीन्स पास जाते हैं। धनिका परोपकार इतुं दानं ददन्ति, धनिक यानी धनवान लोग परोपकार हेतु दान देते हैं। धर्म रक्षयितुं धनं प्रयच्छति, और ते मीन्स वे धर्म की रक्षा के लिए धन देते हैं। बच्चों ये आपका एकादश पाठ पढ़ गया है, अब इसको आपको घर में पढ़ना है और कल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।